इन लोगों ने नियोजन दिया था, कितना बढ़िया नियोजन दिया था यूपी के लोगों को, बिहार के लोगों को और झारखंड की जनता मुंह देख रही थी। तो ये इन्हें तो जरूर लगेगा, इन्हें तो मिर्ची लगेगी कि इनका दाल नहीं गल पा रहा है। अब झारखंड हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री ने ये पूरी तरह से तय कर लिया है कि अब यहाँ की नौकरियों में झारखंड के लोगों का हक अधिकार, यहाँ के मूल वासियों, यहाँ के आदिवासियों का हक उनका अधिकार होगा, चाहे जितना भी ये षड्यंत्र कर लें। लेकिन क्योंकि इनके द्वारे हाईकोर्ट देखिए बहुत सोच समझ कर ये नीति बनाई गई थी। अब हाईकोर्ट कौन गया था ये भी एक न्याय तो वही है। ठीक है ठीक है तो अभी 32 के, अभी 32 का हम मांग कर रहे हैं। ये लोग भाग रहे हैं उससे कि 32 के खतियान आधारित हम कह रहे हैं कि अब नीति बनाओ ताकि एकदम एक एक यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को नौकरी मिलेगी और इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम चाहे ये मामला फंसाते रहे, हम रास्ता निकालेंगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री रास्ता निकालेंगे और यहाँ के लोग जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं उनकी नियुक्तियाँ आप देखेंगे कि कितनी जल्दी। सर एक सवाल ये उठ जाता है, सर एक आप देखते रहिए कि कैसे निकलता है रास्ता। हम सवाल ये उठ जाता है पहलू पर काम करेंगे, जब इस पर काम प्रक्रिया खतियान भी लागू कराएंगे, हम युवाओं को हम रोज नौकरी भी देंगे और हम अगर जरूरत पड़ेगी उस आदेश को चैलेंज करने की तो हम चैलेंज भी करेंगे। सवाल ये उठ जाता है कि एज रिलैक्सेशन की बात आ जाती है क्योंकि वक्त काफी लग जाएगा तमाम चीजों में। आपको कहा तो कल भी माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसके बीच हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे, 32 के खतियान की लड़ाई लड़ेंगे, हम यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों का अधिकार और हक दिलाने में कहीं पीछे नहीं रहेंगे और साथ ही साथ हम यहाँ के एक वैकल्पिक रास्ता निकालकर और जो भी नियुक्तियां हैं उन नियुक्तियों को भरने का काम करेंगे और अब देखेंगे कि ये काम होगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।